हेलो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नई अपडेट अब अप्रैल में आने की उम्मीद है। तो सीएसबीसी कांस्टेबल एग्ज़ाम बिहार पुलिस में 21,000 से ज़्यादा कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन 1 अक्टूबर 2024 को 1 अक्टूबर 2023 को रद्द हुई परीक्षा के नई अपडेट अभी तक जारी नहीं की। अब अगले महीने अप्रैल में इस प्रकार आ सकती है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कब होगा? केंद्रीय चयन परिषद की ओर से बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के अक्टूबर 2023 में होने वाली परीक्षा रद्द हुए 6 महीने हुए, लेकिन अभी तक सीएसबीसी की ओर से कोई अपडेट नहीं मिली। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2023 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक घटना के बाद केंद्रीय परिषद ने 1 अक्टूबर परीक्षा रद्द कर दिया। इसके बाद 7 या 15 अक्टूबर को परीक्षा स्थगित कर दिया। बिहार पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में राज्य भर में करीब 300 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों को अभी तक पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तिथि जारी होने का इंतजार है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में करीब 1,000,000 से अधिक अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के बाद संघ रक्षा परीक्षा होनी थी। इसके लिए अभ्यर्थी पिछले करीब 1 साल से कांस्टेबल भर्ती की तैयारी में पसीना बहा रहे हैं। एसएसबीसी जल्द ही लाखों अभ्यर्थी की उम्मीद पर ध्यान देगा और कांस्टेबल परीक्षा की नई तिथि घोषित करेगा। केंद्रीय चयन परिषद के अनुसार 3 अक्टूबर 2023 को जूरी नोटिस के रद्द स्थगित करने प्रथम से लेकर खष्टम पाली की लिखित परीक्षा की नई तिथि समय प्रबंध सूचना प्रबंध वेबसाइट एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित। जैसे में बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का अभ्यर्थी को सलाह है कि समय पर कांस्टेबल परीक्षा को वेबसाइट पर देखते रहें। पेपर लीक के बाद बोर्ड में हुआ बदलाव। बिहार सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा को पेपर लीक होने के बाद जिम्मेदार बड़े अधिकार को फिर बदल दिया। पिछले महीने सरकार ने केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष पद के अतिरिक्त प्रभार के गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमक सेवाओं को महानिदेशक महासमेष्टा शोभा होटकर का पर मुक्त कर दिया था कि केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष पर जिम्मेदारी अब 1993 बैच के आईपीएस अध्यक्ष जितेंद्र कुमार संभाल रहे हैं। देखिए, नए अध्यक्ष के सामने अब समय और सफलतापूर्वक पुलिस परीक्षा कराने की चुनौती है, क्योंकि हाल ही में पेपर लीक की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। कभी शिक्षक भर्ती परीक्षा तो कभी कांस्टेबल परीक्षा पर पेपर लीक होने की घटनाएँ सामने आती रही है। तो उम्मीद है कि आपके अगले महीने तक आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। यदि अगले महीने आपकी एग्ज़ाम नहीं होती तो फिर आपकी एग्ज़ाम 3 महीने टल जाएगी। अब चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम हो सकती है। तो बिहार पुलिस से संबंधित एक भी जानकारी थी जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच साझा किया। आई होप आप सभी सेशन पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।